राधे राधे दोस्तों, स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने मंदिर में। बहुत ही खूबसूरत झांकियां दोस्तों, ये सब देख सकते हैं सामने ही है। काली नाग ऊपर, भगवान श्री कृष्ण भी खड़े हैं, बहुत सारी देवियां भी हैं। ये देखिए दोस्तों नज़ारा, बहुत ही ज़्यादा लोग हैं इस वक्त यहाँ पे। ऐसा लग रहा है दोस्तों जैसे कि काली नाग सचमुच में विष छोड़ रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण उनके ऊपर तांडव कर रहे हैं। ये जज करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है अभी, ऐसा लग रहा है कि सचमुच में ही है। और देखिए बहुत ही खूबसूरत नज़ारा प्रेम मंदिर का, आज से पहले मैंने ऐसा खूबसूरत दृश्य कभी नहीं देखा। तो टाइम अभी 6:30 हो चुके हैं दोस्तों, आप देख ही पा रहे होंगे कि प्रेम मंदिर में बहुत ही ज़्यादा भीड़ आ चुकी है। प्रेम मंदिर में खड़े होने की भी जगह नहीं है अभी। और दोस्तों एक बात आपको बता दें कि प्रेम मंदिर हर एक मिनट में अपना कलर चेंज करते रहते हैं। अब देखिए अब प्रेम मंदिर का कलर चेंज हो चुका है, थोड़ी देर बाद इसका दूसरा कलर होगा। आप देख ही पा रहे होंगे दोस्तों कि प्रेम मंदिर का रंग एक बार फिर से चेंज हो चुका है और प्रेम मंदिर बहुत ही अद्भुत, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको प्रेम मंदिर कैसा लगा। भीड़ चेक करो दोस्तों, भीड़ बहुत ही ज़्यादा भीड़ है और बहुत ही खूबसूरत व्यू आ रहा है अभी शाम का। ओ भाई अति सुंदर दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत एक बार फिर से प्रेम मंदिर का रंग चेंज हो चुका है, आप देख ही पा रहे होंगे ये कलर। और देखिए सामने बहुत ही ज़्यादा भीड़ आगे की ओर जाती हुई, ये सभी एंजॉय कर रहे हैं प्रेम मंदिर में आज। ये देखिए एक बार फिर से दोस्तों, ये है बैक साइड से प्रेम मंदिर का दृश्य और प्रेम मंदिर ने एक बार फिर से अपना रंग जो है वो चेंज कर लिया है। प्रेम मंदिर के बैक साइड में दोस्तों बहुत सारी गायें हैं और बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी हैं। भगवान श्री कृष्ण भी है बीच में अपने दोस्तों के साथ। यहाँ भगवान श्री कृष्ण को ग्वाले के रूप में दिखाया गया है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण गायों को चरा रहे हैं। ये देखिए गाय भी बिल्कुल असली लग रही हैं। एक बार फिर से चेंज होता हुआ मंदिर का कलर, वृंदावन का ये प्रेम मंदिर दोस्तों भगवान श्री कृष्ण, राधा और सीताराम जी को समर्पित है। इस मंदिर का शिलान्यास 2001 में श्री कृपालु महाराज जी ने किया था। एक बार फिर से प्रेम मंदिर का कलर चेंज हो चुका है दोस्तों। प्रेम मंदिर को बनाने में 11 साल लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। दोस्तों अगर आप मथुरा वृंदावन दर्शनों के लिए आते हो तो प्रेम मंदिर के भी दर्शन जरूर करें। ये बहुत ही सुंदर और अद्भुत मंदिर है। प्रेम मंदिर के अंदर भगवान श्री कृष्ण, राधा जी और भगवान राम सीता की मूर्तियां हैं। मूर्तियां देखकर ऐसा लगता है मानो सचमुच भगवान यहां विराजमान हो और कृपालु महाराज जी की भी यहाँ मूर्ति है। बहुत सारी मूर्तियाँ आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। और सामने ही देखिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली में गोवर्धन पर्वत को उठा के रखा हुआ है। जब इंद्र ने क्रोधित होकर मथुरा वृंदावन को डुबो देने की कोशिश की थी तब भगवान ने ऐसा किया था। यह है वृंदावन का बहुत ही फेमस प्रेम मंदिर दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। राधे राधे दोस्तों, गुड नाइट। आप सभी पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा बनी रहे। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।